किस किस की, ये प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है या नहीं, प्रॉपरली डिस्क्लोज हर आदमी की जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है। उसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस benefit provided must be disclosed controls adequacy of internal controls constitute various committees transparency benefits provided must be disclosed rules responsibility properly disclosed disclosure of financial स्टेटमेंट नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमको देखनी होगी, उसको डिस्क्लोज करना होगा कि वास्तव में ऑर्गेनाइजेशंस की या कंपनी की कॉर्पोरेट फिलॉसफी क्या है। तो ये आपने नोट किया, हाँ जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वैल्यूएशन के लिए हम इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, वेरियस कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी में सब लोगों के रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिस्क्लोज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली बेसिस पर डिस्क्लोज हो रहे हैं, और जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए हैं दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फिलॉसफी, कॉर्पोरेट फिलॉसफी प्रमोट्स फेयरनेस फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड जो हमने अभी बताया था कोड ऑफ कंडक्ट, एक काम करने का बिहेवियर एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ होना चाहिए, प्रमोट्स फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एंड कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल use of optimal use of resources उसके अलावा जो board है board must comprise of professionals and experts. Board must comprise of professionals and
experts. उसके अलावा क्या चाहिए? Appropriate combination of executive director, and non-executive director. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो तनख्वाह लेते हैं फुल टाइम होते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि तनख्वाह नहीं लेते, वो केवल बोर्ड मीटिंग के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर्स जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी होते हैं, साथ में तनख्वाह भी लेते हैं एम्प्लॉयज की तरह। डेली वो आते हैं ऑफिस में और उसकी फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम ओनली गाइडिंग का होता है, ओनली बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कुछ कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कि प्रमोटर्स से या जो मैनेजमेंट है उससे अलग प्रोफेशनल, जैसे किसी रिटायर्ड आईएएस अफसर्स को जो फाइनेंस के अंदर कोई एक्सपर्ट्स हैं उनको बोर्ड में, जो कि डे टू डे फंक्शनिंग के लिए बीच बीच में मीटिंग्स कर करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जिससे कि डायरेक्टर्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी को अपने हितों के लिए इस्तेमाल ना कर पाए, तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए होना जरूरी है जनरल। ठीक है, अब ये सब समझने के बाद में हमें ये पता लगना चाहिए कि फीचर्स क्या होंगे, ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स क्या होंगे। ये तो हमने इवेल्युएट किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, अब हमें देखना है फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Features of good corporate governance. Number one, participation of stakeholders. Participation of stakeholders. सारे स्टेक होल्डर्स जो कि क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, इन सब का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ डिफरिंग points of view. Choosing best out of differing point of views.
responsiveness, accountability, responsiveness, accountability, transparency, efficiency, participation of stakeholders, choosing best out of differing point of view, participation of stakeholders, choosing best out of differing point of view, responsiveness, accountability, transparency, effectiveness and efficiency. Features of good corporate governance में क्या है? Participation of stakeholders, choosing best out of differing points of view, responsiveness, accountability, transparency, effectiveness and efficiency. तो हमें ये देखना है कि सारे stakeholders के welfare को ध्यान में रख रहा है organization. यदि आपस में सब स्टेकहोल्डर्स के कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो उनमें से जो बेस्ट आ रहा है, उस बेस्ट को करने के लिए मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, यदि कोई ग्रीवेंस आती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलनेस है अकाउंट कंपनी में, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, पारदर्शिता है, हर चीज इन ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है दैट इज इफेक्टिवनेस, यानी टारगेट अचीव करने में सक्षम है, उसकी गोल की तरफ ही मैनेजमेंट इस तरह हो रहा है कि लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ध्यान है, और वो लक्ष्य जो रिसोर्सेज हैं, जो टारगेट हैं, उन्हीं मीन्स के अंदर किया जा रहा है उसको, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस टारगेट को अचीव करना, एफिशिएंसी गिवन रिसोर्सेज टारगेट को अचीव करना कहलाता है. तो ये हैं हमारे फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, ये नोट कर लीजिए. उसके बाद हम नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. वो आपके कंपनी लॉ में भी सेक्शन 135 के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आजकल हर कंपनी की जरूरत और रिक्वायरमेंट हो गई है, तो वो आपके लॉ में भी आएगा. अभी हम आपको बताएंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये यदि हम इरेज कर दें तो हम नया चैप्टर चैप्टर 3 शुरू करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. चैप्टर 3 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी.
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ये जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, समझे पहले समझिए, कॉर्पोरेट सोशल हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगातार कंटिन्यूसली कंटिन्यूस कमिटमेंट लगातार करता रहे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन एथिक्स के साथ, सिद्धांतों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ। ऐसा नहीं कि अनएथिकल पैसा किसी भी तरह कमाए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंटिन्यूस कमिटमेंट, कंटिन्यूस कमिटमेंट, ठीक है, कंटिन्यूस कमिटमेंट ठीक है टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एथिकल, एथिक के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, साथ ही साथ सारे वायर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लाइफ इंप्रूव हो, वायर इंप्रूविंग लाइफ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंटिन्यूस कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट, कंटिन्यूस कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एथिकली वाइल इंप्रूविंग लाइफ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, यानी इंप्रूविंग लाइफ ऑफ वर्कफोर्स जो आपके यहाँ लेबर काम कर रही है, ये पूरी जो वर्क फोर्स है, इस वर्क फोर्स के की लाइफ इंप्रूव हो, खुद की ओन फैमिली की भी लाइफ इंप्रूव हो, वर्क फोर्स की ओन फैमिली की लोकल कम्युनिटी की सोसाइटी एट लार्ज कुल मिला के एम्प्लॉई सोसाइटी खुद की लोकल कम्युनिटी सबकी लाइफ इंप्रूव करे और एथिकल तरीके से करे, इसको कहेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको यदि हमें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को और डिस्क्राइब करना हो तो हम कर सकते हैं इसको चार भागों में, फोर हम इसके पार्ट्स कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे पी। तो यदि हमें अलग अलग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना हो तो इसको हम इसके फोर पार्ट्स में करके इसको समझ सकते हैं। पहला इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी चार तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ सकते हैं। एक तो प्रॉफिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड हम कहेंगे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ लॉ, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलान्थ्रोपिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी,
Next is philanthropic responsibility. Profit responsibility, हर organization का purpose ये है उनके शेयर होल्डर्स के लिए कि उसको प्रॉफिट कमाना है. इट शुड बी इकोनॉमिक वायबल प्रोजेक्ट. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लॉ है, कानून है, उन सब का कंप्लायंस करना है. एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हम करें डेट इज जस्ट एंड फेयर. एंड नेक्स्ट इज फिलान्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिलान्थ्रोपिक के बीच जो भी हम करें इट शुड प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर. मानव का ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, और ह्यूमन गुडविल, ये हमारी कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी कॉर्पोरेट जो इन सब रेस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कॉर्पोरेट सिटीजन. यानी इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मींस एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज मीटिंग ऑल द फोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलान्थ्रोपिक. ओके, अब ये जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझना है. अब हम समझते हैं इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. इंप्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले इट इज द टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव. इट इज द टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ CSR इन डिसीजन मेकिंग. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR इन डिसीजन मेकिंग. इंटीग्रेट CSR, इंटीग्रेट CSR इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. Integrate CSR in management structure. Okay. उसके अलावा CSR to be accountable in recruiting. यानी जब भी हम स्टाफ को अपॉइंट करें, उनका सिलेक्शन करें, उन्हें जॉब पर रखें, उनका इंटरव्यू लें, उस समय हमें CSR को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लोगों को उसमें मौका देना चाहिए. उसके बाद में एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय मोटिवेशन टुवार्ड्स एम्प्लॉय
motivation towards CSR. एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है टुवर्ड्स सीएसआर. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन्फ्लुएंसिंग influencing others to be socially responsible CSR reporting CSR audit okay. तो जो भी corporate social responsibility को implement करना है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जबकि टॉप मैनेजमेंट इस कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट ना करना चाहे. ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव टॉप मैनेजमेंट को लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेना है. टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव है, टॉप लेवल पे मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव लेना है और इस कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट करना है. ठीक है, डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर जैसे करते हैं कि काम कि भाई इसका कुछ परसेंटेज साथ में जहाँ जहाँ हम पेड़ काट रहे हैं वहाँ पेड़ उतने ही पेड़ लगाते चले जाएं, जहाँ जहाँ यदि हमारा कुछ एनवायरमेंटल कुछ निकल रहा है सोसाइटी को कुछ लॉस हो रहा है, उजड़ रहा है, जहाँ प्लांट लगा रहे हैं उनकी खेती उजड़ रही है उनको एम्प्लॉयमेंट दे, तो हमें क्या करना है टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव है और उसको इंटीग्रेट करना है सीएसआर को डिसीजन मेकिंग में. उसके बाद जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है ऊपर सीएमडी है, उसके नीचे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर ऑफिसर, हर लेवल पे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इसको परकोलेट डाउन करना है, उसको इंटीग्रेट करना है इन द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, जिस समय हम रिक्रूटिंग करें, स्टाफ सिलेक्शन करें, उनका इंटरव्यू करें, उनका अपॉइंटमेंट करें, उनको जॉब दें, उस समय भी सीएसआर रिक्रूटिंग में भी हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर्स को और सोसाइटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए. उसके अलावा हमें एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने. ओके, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम सोसाइटी जो अपने को पावर देती है वो सोसाइटी यदि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा करती या उस सोसाइटी की भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफिल नहीं करती तो सोसाइटी उस चीज़ को वापस भी ले सकती है जो पावर्स दी हुई. इसलिए बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिलैक्स करते हैं और उसकी वजह से पुराने जमाने में भी आपको पता है कि जो बिजनेसमैन होते थे वो फिलैंथ्रोपिक काम करते थे. बिरला जी ने बड़े बिरला मंदिर बनवाए, सिंघानिया जी के भी जेके टेम्पल्स आपने
देखे होंगे कई जगह कुएं प्याऊ ये सब बिजनेसमैन लगवाया करते थे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का इतिहास हिंदुस्तान में बहुत पुराना है। समय समय से बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग और बड़े बड़े औद्योगिक घराने सोशल कामों में लगे रहते हैं। आपको पता है टाटा ने टाटा मेमोरियल रिसर्च, कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें जिस समय कैंसर का कोई हिंदुस्तान में अस्पताल नहीं था ऐसी चीज़ें शुरू की। तो ये सब इसलिए क्योंकि सोशल काम करने से, कॉर्पोरेट सोशल काम करने से अल्टीमेटली सोसाइटी को फायदे के साथ साथ गुडविल, ब्रांड इमेज और उस बिजनेस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमने आपको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नए कंपनी एक्ट में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टेन कंपनीज के लिए फुलफिल करना कंपलसरी हो गया, उनके अपने प्रॉफिट का 2% उस काम में लगाना ही लगाना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे चैप्टर 4, दैट इज एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप समझने समझे? यस। तो अब हम शुरू करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। चैप्टर 4 एनवायरमेंटल